लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट, इसको आप मीजोफेस, यू ऑल्सो कॉल इट अमीजोफेस, और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इज इट अमीजोमॉर्फिक फॉर्म. ठीक है, लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट इज अ फोर्थ स्टेट जो बेसिकली आपके सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के बीच में लाई करती है. दैट मीन्स दिस स्टेट विल हैव फ्यू प्रॉपर्टीज जो उसको सॉलिड स्टेट के साथ मैच करवाती है, फ्यू प्रॉपर्टीज होंगी जो उसको लिक्विड स्टेट के साथ मैच करवाती है. सो दिस स्टेट लाइज इन बिटवीन योर सॉलिड एंड अ लिक्विड स्टेट. जनरली लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट कौन से मॉलिक्यूल्स बनाते हैं? इट इज फॉर्म्ड बाय यू नो एसिमेट्रिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. जनरली एसिमेट्रिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपको लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट्स शो करती हैं. क्या होता है जब हम नॉर्मल सॉलिड को मेल्ट करते हैं, वंस दैट नॉर्मल सॉलिड रीचेज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इट गेट कन्वर्टेड इंटू अ यू नो क्लियर लिक्विड. अगर मैं नॉर्मल कंडीशंस की बात करूं तो नॉर्मल कंडीशन में सॉलिड को जैसे ही हम हीट करते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट आता है सॉलिड का, एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इंटू द लिक्विड फेज. ठीक है, दिस लिक्विड और ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन यू विल ऑलवेज फाइंड दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ क्लियर लिक्विड. हमेशा क्लियर लिक्विड आपको मिलेगा ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑल्सो. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपको टर्बिडिटी दिख रही है, आपका सॉलिड नीचे सेटल्ड है, जैसे जैसे वो मेल्ट हो रहा है वो डिजॉल्व होके आपको क्लियर लिक्विड दे रहा है. इन सम केसेस, फॉर एग्जाम्पल वेन यू आर हैंडलिंग योर एसिमेट्रिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उन केसेस में क्या होता है, आई विल राइट इट एसिमेट्रिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दीज आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. जब हम इसको लिक्विफाई करने की कोशिश करते हैं, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो एक इंटरमीडिएट स्टेट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं बिफोर कन्वर्टिंग टू योर लिक्विड क्लियर स्टेट. सॉलिड्स की डायरेक्ट कन्वर्जन टू द क्लियर लिक्विड स्टेट होने के बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट आपको मिलेगी इन सॉलिड्स के केस में. दिस इंटरमीडिएट स्टेट इज हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज दिस स्टेट इज टर्बिड इन नेचर. सो द सॉलिड्स लाइक एसिमेट्रिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये क्लियर लिक्विड्स बनाने से पहले एक टर्बिड स्टेट एग्जिस्ट में एग्जिस्ट कर से करते हैं, एंड दिस टर्बिड स्टेट इज नथिंग बट योर लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट. द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू दिस टर्बिड स्टेट हैपन्स एट अ टेम्परेचर विच इज कॉल्ड द ट्रांजिशन टेम्परेचर. इसको आप ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हो, एंड द कन्वर्जन ऑफ दिस टर्बिड स्टेट, उसको आप फर्दर हीट करते हो टू क्लियर लिक्विड, हैपन्स एट योर मेल्टिंग पॉइंट. ये आपकी मेल्टिंग पॉइंट पे होती है. ठीक है बच्चे, सो लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट इज अ फोर्थ स्टेट विच लाइज समवर्ट बिटवीन योर सॉलिड्स एंड अ लिक्विड. इट इज शोन बाय सर्टेन एसिमेट्रिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. एसिमेट्रिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फर्स्ट गेट कन्वर्टेड इंटू अ टर्बिड स्टेट, जो इंटरमीडिएट स्टेट है विच इज नथिंग बट योर लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट. दिस कन्वर्जन हैपन्स एट अ टेम्परेचर विच इज कॉल्ड द ट्रांजिशन टेम्परेचर, एंड इफ यू फर्दर हीट योर टर्बिड लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट, इट विल रीच द मेल्टिंग पॉइंट एंड विल अल्टीमेटली गिव यू अ क्लियर लिक्विड सोल्यूशन. ठीक है बच्चे, आप ये जो टर्बिड लिक्विड्स हैं और योर लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट है, एक तो आपने बाय रेजिंग द टेम्परेचर रेज करके बना ली है ना, ये इन फॉर एग्जाम्पल इन दिस एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किया, हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया, एक टर्बिड स्टेट मिली, सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू अ टर्बिड स्टेट एंड टर्बिड स्टेट गेट कन्वर्टेड इनटू अ क्लियर लिक्विड. सो यू आर राइजिंग अ टेम्परेचर एंड यू आर गेटिंग योर टर्बिड स्टेट. इस तरह के लिक्विड क्रिस्टल्स को हम थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स बोल देते हैं, वी कॉल्ड इट थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स. ठीक है बच्चे, सेकेंड वे ऑफ यू नो अटेनिंग दिस टर्बिड लिक्विड इज, और दे आर कॉल्ड योर लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स.
दिस लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ सॉल्वेंट्स ऑन द सॉलिड्स. आप कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट ऐड करोगे सॉल्वेंट्स में एंड दैट सॉल्वेंट की प्रेजेंस विल कन्वर्ट योर सॉलिड इनटू द योर टर्बिड लिक्विड. ठीक है बच्चे, सो यू कैन यू नो प्रिपेयर योर लिक्विड क्रिस्टल्स बाय ईदर बाय रेजिंग द टेम्परेचर. Such type of crystals are called the thermotropic liquid crystal, or by adding some particular solvent into it, which are called the lyotropic liquid crystals. ठीक है बच्चे, moving ahead, different types of liquid crystalline crystals आपके पास हैं. You can attain different types of liquid crystals. आपके पास three categories of liquid crystalline crystals हैं. उसमें से first type है आपकी semitic और the soap-like liquid crystals. ये थोड़ी थोड़ी properties में एक दूसरे से differ करेंगी. And out of these three, major pharmaceutical application आपकी soap-like liquid crystals की है. To some extent, you use cholesteric liquid crystals, जिसकी major application आपके diagnostics में होती है. तो डिफरेंस जो इनकी यू नो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ प्रॉपर्टीज में है क्या है. सोप लाइक लिक्विड क्रिस्टल्स दे कैन मूव इन टू डायरेक्शंस. ये टू डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं बट दे हैव ओनली वन एक्सेस. एक उनकी एक्सेस होती है एंड दे हैव पैरेलल प्लेन्स. इनके प्लेन्स जो है वो पैरेलल होते हैं. ठीक है बच्चे, दे कैन मूव इन टू डायमेंशन. दे हैव ओनली वन एक्सेस एंड दे हैव पैरेलल प्लेन्स. जो आपके निमेटिक और थ्रेड लाइक क्रिस्टल्स हैं दे कैन मूव इन थ्री डायरेक्शंस. थ्री डायमेंशनल इसकी मूवमेंट हो सकती है बट दे हैव ओनली वन एक्सेस एंड दे हैव पैरेलल प्लेन्स. ठीक है बच्चे, लास्ट आपके जो है कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स. दे आर अरेंज पैरेलली इन लेयर्स. ये लेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एंड दैट लेयर्स आर बेसिकली पैरेलल टू वन अनदर. बट उन लेयर्स की, हालांकि वो पैरेलली इन लेयर्स प्रेजेंट होते हैं बट वो एक एंगल पे प्रेजेंट होते हैं एंड आपको लगेगा दैट दैट लेयर्स आर स्पाइरल इन अपीयरेंस. उनकी अपीयरेंस समवट स्पाइरल होंगी लेयर टू लेयर बट दोस लेयर्स आर प्रेजेंट ऑन एंगल एंड दे विल अपीयर दैट दे आर प्रेजेंट इन अ स्पाइरल फॉर्म. ठीक है बच्चे, जो आपके सोप लाइक और योर सोमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स हैं इनकी अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं, आपकी इमल्शंस को स्टेबलाइज करने में ये रोल प्ले करते हैं. आपके इमल्शन में जो कंपोनेंट्स हैं दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ योर लिक्विड क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड दे मेक योर इमल्शन समवट स्टेबल. फर्दर दीज लिक्विड क्रिस्टल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सॉल्युबलाइजेशन ऑफ यू नो इनसॉल्युबल कंपोनेंट. इसमें एग्जाम्पल आ जाती है आपकी कोलेस्ट्रॉल की. कोलेस्ट्रॉल एज सच इज नॉट वाटर सॉल्युबल बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ यू नो बाइल सॉल्ट्स एंड वाटर इन योर गॉल ब्लैडर अलॉन्ग विद कोलेस्ट्रॉल. सो योर कोलेस्ट्रॉल, योर बाइल सॉल्ट्स एंड योर वाटर कलेक्टिवली दे फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल्स एंड दे बेसिकली सॉल्युबलाइज योर कोलेस्ट्रॉल. So, my soap-like liquid crystal find application in emulsions and in solubilization of insoluble components. जो आपकी thread-like crystals हैं, इसकी pharmaceutical application नहीं है, but इस तरह के liquid crystals are basically present in your, you know, LCDs. जो LCDs हैं, उसमें इस तरह के liquid crystals present होते हैं, which has three-dimensional movement, one axis and parallel planes. थर्ड आर योर कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स. इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दे शो कलर चेंज. वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे कलर चेंज शो करते हैं. सो दे कैन बी यूज्ड इन यू नो डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस. इसकी डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस आप फार्मास्यूटिकल फील्ड में भी यूज कर सकते हो और इवन इन द मैकेनिकल फील्ड वेयर यू वॉन्ट टू सी दैट आपकी मशीनरी में कहीं पे बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर आपके फैक्टर्स आपका प्रोसेस इन्फ्लुएंस होता है. सो यू कैन इजिली इंस्टॉल दिस टाइप ऑफ डिटेक्टर एंड वंस यू फाइंड देयर इज सम चेंज इन टेम्परेचर दे कैन शो कलर चेंज एंड यू कैन इजिली आइडेंटिफाई विच पार्ट इज फेसिंग दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर चेंज. सो इफ आई समराइज द एप्लीकेशंस ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल्स, सबसे पहले दे प्ले अ वेरी
important role in your nutritional aspects, because most of your proteins and fats, आपकी body में जो proteins and fats हैं, they get basically deposited in this particular state. वो ना solid state में होती है ना liquid state में होती है, they are present in the liquid crystalline state. Liquid crystalline states बच्चे जो हैं, वो आपकी both solid and liquid की properties उनमें होती है. लिक्विड की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, फॉर एग्जांपल लिक्विड की सरफेस टेंशन होगी, लिक्विड्स की मोबिलिटी की प्रॉपर्टी हो गई, लिक्विड की विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी, वो आपको लिक्विड क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स में मिलेगी. सॉलिड्स की प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ सॉलिड्स की हो सकती है, योर लिक्विड्स कैन नॉट हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे होती हैं, ये हमारे सेकेंड पार्ट ऑफ आर्ट्स मॉड्यूल 2 है. बट हियर यू कैन अंडरस्टैंड और यू कैन मेमोराइज कि लिक्विड क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स में हमारे लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज लाइक विस्कोसिटी, लाइक सर्फेस टेंशन, लाइक योर यू नो मोबिलिटी, ये प्रॉपर्टीज होती हैं. सॉलिड्स की मेरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम कह देते हैं, बाइफ्रिंजेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इज प्रेजेंट इन माय लिक्विड क्रिस्टलाइज क्रिस्टल्स. सो एप्लीकेशन में माय प्रोटीन्स एंड फैट्स दे आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म. इवन माय बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स लाइक माय नर्व्स, माय ब्लड वेसल्स, माय ब्रेन टिश्यू इज प्रेजेंट इन माय लिक्विड क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स. ये सारे टिश्यूज हैव द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड बोथ, इन दोनों की प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं. नेक्स्ट, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सॉल्युबलाइजिंग इन सॉल्युबल मटीरियल्स. मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल की एग्जांपल दी. कोलेस्ट्रॉल इज वाटर इन सॉल्युबल. इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट एंड वाटर ये लिक्विड क्रिस्टल्स बनाता है, इट इम्प्रूव्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ योर यू नो कोलेस्ट्रॉल. इट कॉजेज द डिपोजिशन इन एथेरोस्क्लेरोसिस. एथेरोस्क्लेरोसिस में जो आपकी ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन, सॉरी लिपिड मॉलिक्यूल्स की डिपोजिशन होती है, दिट्स हैपन्स बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स ऑफ लिपिड विच गेट डिपॉजिटेड इन योर ब्लड वेसल्स. सो आपकी डिपोजिशन का रीजन ही है कि आपका लिपिड जो है वो लिक्विड क्रिस्टलाइन क्रिस्टल फॉर्म में चला गया है. लास्ट, इट कैन बी यूज्ड यू नो इन डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस, बिकॉज सम लिक्विड क्रिस्टल्स लाइक योर कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स, दे शो कलर चेंज एट डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स. सो दे कैन गिव यू इंडिकेशन आपका कोई कंपोनेंट ओवरहीट हो रहा है. यू कैन इजिली इंस्टॉल दिस टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल. इफ आई डिफाइन अ ग्लास, ग्लास इज एन अमॉर्फस सॉलिड. ग्लास एक अमॉर्फस सॉलिड है विच इज ऑब्टेन्ड बेसिकली बाय सुपर कूलिंग द लिक्विड बिलो द मेल्टिंग पॉइंट. आप लिक्विड को इतना कूल कर देते हो और इतनी फास्टली कूल कर देते हो, सुपर कूल का मतलब बहुत फास्टली उसको लो टेम्परेचर पे ले जाते हो, दैट इट फॉर्म, इट डज नॉट गेट कन्वर्टेड इन टू द सॉलिड फॉर्म बट इट फॉर्म्स अ ग्लास. ये एक अमॉर्फस सॉलिड है जिस जो आप बना रहे हो बाय सुपर कूलिंग योर लिक्विड. ठीक है, अब जो ग्लास है उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी फ्रॉम द नॉर्मल सॉलिड. जो अगर आप लिक्विड को नॉर्मली यू नो कूल आउट करते तो उसकी जो प्रॉपर्टी होंगी उससे आपकी जो ग्लास है उसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफर करती है. सो इट फॉर्म्स अ थर्ड स्टेट विच इज कॉल्ड द यू नो फिफ्थ स्टेट सॉरी विच इज कॉल्ड द ग्लासी स्टेट. इट अगेन लाइज बिटवीन योर सॉलिड एंड अ लिक्विड. एंड दीज ग्लासी स्टेट आप एक सब्सटेंस की अटेन कैसे कर सकते हो, बाय सुपर कूलिंग योर लिक्विड. आपने इमिजिएटली कूल करना है, बहुत फास्टली अपने लिक्विड को कूल करना है. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आई हैव शोन वन यू नो ग्राफ ओवर हियर. क्या होता है बच्चे, इफ यू सी ओवर हियर, ए पॉइंट ओवर हियर इज योर लिक्विड स्टेट. आप लिक्विड को जैसे ही उसका टेम्परेचर, ऑन द एक्स एक्सिस वी आर हैविंग टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर को लोअर करना है, टेम्परेचर को रिड्यूस करना है. एक मेरा कंपोनेंट था, सब्सटेंस था जो ए स्टेट पे था, इसका टेम्परेचर मैंने रिड्यूस करना स्टार्ट किया. फ्रॉम ए टू बी इट विल हैव योर लिक्विड स्टेट, वो लिक्विड स्टेट में ही होगा बट उसका टेम्परेचर लोअर हो गया. वंस इट रीचेज द बी, इट रीचेज द टेम्परेचर टी एफ विच इज योर यू नो फ्रीजिंग पॉइंट. क्या होता है जब आप स्लोली कूल कर रहे हो तो बी टू सी जो कन्वर्जन है इन वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम,
हमारी लिक्विड को जैसे ही हम कूल करना स्टार्ट करते हैं, लिक्विड जैसे ही कूल होना शुरू होता है उसकी वॉल्यूम रिड्यूस होना शुरू होती है। वंस योर लिक्विड अटेन योर फ्रीजिंग पॉइंट, इट्स वॉल्यूम रिड्यूसेस मार्केटली, उसकी वॉल्यूम बी से सी तक रिड्यूस हो जाती है। ऑन द वाई एक्सिस यू आर हैविंग वॉल्यूम, उसी टेम्परेचर पे आपकी वॉल्यूम फ्रॉम बी टू सी रिड्यूस हो गई। सी पे यू अटेन अ सॉलिड स्टेट, मॉलिक्यूल आपका सॉलिड स्टेट अटेन कर लेता है। फर्दर उसका टेम्परेचर अगर आप स्लोली रिड्यूस कर रहे हो, वो डी तक रीच करेगी उसकी रिडक्शन इन वॉल्यूम, एंड डी एट डी इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। सो इस ग्राफ से, इस पर्टिकुलर ए टू डी वाले ग्राफ से आप एक चीज ये तो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एज यू कन्वर्ट अ लिक्विड टू सॉलिड, आप धीरे धीरे टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हो, आपकी जो स्टेट की वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो रही है। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने ए टू बी तक तो उसको कूल किया, उसके बाद आप उसको स्लोली कूल नहीं कर रहे, आप सुपर कूल कर रहे, मतलब बड़ी फास्ट कूलिंग कर रहे हो उसकी। फास्ट कूलिंग करोगे तो बी टू सी कर्व वो फॉलो नहीं करेगा, इट विल फॉलो द कर्व ऑफ बी टू ई। हमारी जो ए टू बी स्लोप चल रही थी वही कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ लोअरिंग द वॉल्यूम, जो आपने लिक्विड की लोअर करनी थी, इन द सॉलिड स्टेट वॉल्यूम लोअर करनी थी, उससे कंपैरेटिवली कम वॉल्यूम लोअर होती। ठीक है, एट ई यू विल गेट, आपको एक स्टेट मिलेगी विच इज कॉल्ड योर ग्लासी स्टेट, आपको ग्लासी स्टेट मिल जाएगी बिकॉज यू हैव सुपर कूल्ड योर लिक्विड। आपने उसकी वॉल्यूम तो रिड्यूस की लिक्विड की, यू हैव कन्वर्टेड, ट्राई टू कन्वर्टेड इन टू योर नो यू नो सॉलिड स्टेट, बट दैट कन्वर्जन इज सो फास्ट कि जो नॉर्मल सॉलिड में उसने कन्वर्ट करना था, जो प्रॉपर्टीज उसने लिक्विड की छोड़ के सॉलिड की अटेन करनी थी, वो समवट बोथ प्रॉपर्टीज आर स्टिल प्रेजेंट इन योर स्टेट, एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड योर ग्लासी स्टेट। ठीक है बच्चे, सो दिस ग्लासी स्टेट आप दो तरह से उसकी यू नो यू कैन रिड्यूस द टेम्परेचर। अगर आप फर्दर स्लोली स्लोली टी जी से टेम्परेचर उसका रिड्यूस करते हो तो टू टी, ठीक है, इट कैन फॉलो दिस डॉटेड लाइन एंड इट कैन अटेन दिस पर्टिकुलर यू नो पॉइंट, एंड दिस इज योर स्टेबल ग्लासी स्टेट विद अ वॉल्यूम ऑफ जी डैश। ठीक है बच्चे, सो फ्रॉम दिस कर्व यू कैन इंटरप्रेट कि हमारी लिक्विड की ग्लासी स्टेट में कन्वर्जन कैसे होती है व्हेन यू इमीडिएटली कूल योर लिक्विड स्टेट। सो इन ग्लासेस यू हैव सम वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज। अगर मैं प्रॉपर्टीज इसकी डिफाइन करूं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, दे आर मोर ऑर्गेनाइज देन लिक्विड, लिक्विड से इनकी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा होती है। सेकेंड, दे लैक लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ कॉन्स्टेंट एटम, लिक्विड से ज्यादा ऑर्गेनाइज होंगे बट दैट ऑर्गेनाइजेशन इज लेसर देन द ऑर्गेनाइजेशन विच इज प्रेजेंट इन योर सॉलिड। बहुत लंबी रेंज तक वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, कुछ रेंज तक एग्जिस्ट करेगी, उसके बाद स्टिल यू फाइंड सम मोबिलिटी एंड देन यू विल अगेन फाइंड दैट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, एंड डू नॉट ब्रेक इन प्रेफर्ड डायरेक्शन लाइक क्रिस्टल। जैसे सॉलिड एक ही डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड आपने ब्रेक किया हो कभी क्रिस्टल, तो वो एक ही डायरेक्शन में ब्रेक करता है, वैसी ब्रेकेज आपको इनमें फाइंड, यू विल नेवर फाइंड दैट इन योर ग्लासी स्टेट। फोर्थ प्रॉपर्टी, योर लाइक लिक्विड्स दे कैन फ्लो, वो फ्लो कर सकते हैं बट ओनली वेन यू प्रोवाइड अ वेरी हाई शेयर, जब आप बहुत ज्यादा शेयर उसको प्रोवाइड करोगे तभी वो फ्लो करेंगे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे विल एग्जिबिट यू नो इलास्टिक प्रॉपर्टी, और इनकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज इवन आपके सॉलिड से भी ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं उससे, आप इनको बहुत ज्यादा यू नो स्ट्रेच कर सकते हो। लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ योर ग्लासी लिक्विड इज दे आर आइसोट्रॉपिक लाइक लिक्विड, आइसोट्रॉपिक लाइक लिक्विड मतलब इनकी प्रॉपर्टीज किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाओगे दे विल बी सेम। ठीक है, विद चेंज इन डायरेक्शन देयर प्रॉपर्टीज विल नॉट चेंज। ठीक है, सो दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ योर ग्लासेस। सो विद दिस वी कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर मॉड्यूल 2।